रायबरेली में जिलाधिकारी समेत तमाम सामाजिक संगठनों ने धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती। पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके चलते रायबरेली के बचत भवन में भी डीएम माला श्रीवास्तव सहित कर्मचारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाया। डीएम माला श्रीवास्तव सहित कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद डीएम ने कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। रायबरेली के तमाम सामाजिक संगठनों राजनीतिक दलों द्वारा कौन थे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती शांति हाथी पार्क स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर संविधान और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए भोजन दान व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंश श्रीवास्तव। मैं तो यही जागरूक करना चाहूंगी लोगों को, उनके पेरेंट्स को, ताकि जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको घर से बाहर निकालें, एजुकेट करें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे बाबा साहब का ये एक नारा था, ताकि महिलाओं को घर से निकालें और शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षा ही सवाल करती है सर। मेन तो शिक्षा होती है, क्योंकि आप अनपढ़ हैं तो आप कुछ नहीं करते, लेकिन जो शिक्षा है वही सवाल करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को बाहर निकालें, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में बहुत लोगों को देखा था। ये केवल हम जैसे महिलाओं के लिए नहीं है, ये पूरे भारत पूरे महिलाओं के लिए है कि वो कुछ आगे बढ़ें, खड़े पुरुषों से कंधा मिलाकर चलें, ताकि उन्हें घर में रहकर बर्तन चूल्हे चौके में ना हाथ बटाना पड़े, ताकि वो बाहर भी कुछ निकले, करें, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने संविधान का नाम रोशन करें, जिसके बदौलत वो आज है। मैं जो है एक सहायक अध्यापक विद्यालय का संविधान जब लागू नहीं हुआ था और आज के दौर में शिक्षा को और इस संविधान को और बाबा साहब को किस नजरिए से देखते हैं? सर, क्योंकि मैं एक अनुसूचित जाति से आती हूँ, तो पहले का तो बस एक कल्पना मात्र ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब मैं स्कूल में थी, मैं मतलब बहुत अच्छी स्टूडेंट थी मैं पढ़ने में, लेकिन मेरे साथ अक्सर ये होता था, मेरे मार्क्स कम कर दिए जाते थे अगर दूसरे बच्चों के लिए। जैसे कहा, मतलब जैसे मैंने सुना भी, स्पीच देते हुए उन्होंने बताया कर्ण के बारे में, उनको बात करी, हम लोगों ने बचपन एक मार्क एक कहानी पढ़ी थी एकलव्य के बारे में। तो यहाँ पे सिखाने को है वो सिखाते हैं, लेकिन वो आप हमारे साथ आज भी कर्ण और एकलव्य जैसा ही व्यवहार करते हैं। कि आप मानती कि भेदभाव आज भी आपके भी समाज में संविधान लागू होने के बावजूद आज भी है? जी बिल्कुल है, आज भी है। आज के वर्तमान समय में आपने देखा कि अभी यूपीएससी वगैरह का रिजल्ट आया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं के बारे में ही लोग कहते हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया है, तो उसके लिए मैं तो एक ही मतलब मेरा सीधा सीधा उत्तर है कि यूपीएससी का रिजल्ट उठा के आप देख लीजिए, टोटल 10 में से 8 महिलाएं हैं, वो बाबा साहब की ही देन है। कहीं ना कहीं माता सावित्री फुले ने जो शुरू किया शिक्षाओं के लिए, शिक्षा का मतलब महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी है, उन्होंने पहला स्कूल खोला, उसके बाद उसके पहले बाबा साहब ने भी बहुत किया महिलाओं के लिए, तो उसका एक जीता जाता उदाहरण आपको यूपीएससी का रिजल्ट मिल जाएगा। मैं भारत से टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, और तमाम सामाजिक संगठनों में भी लोग बढ़ चढ़ के काम करते रहते हैं। जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है बाबा साहब की जयंती, कैसे देखते हैं आज के इस माहौल में? आप देख रहे हैं जहाँ पे किस तरह के नाम समता और इंसान पसंद लोगों के खिलाफ पूरे देश में जो चीजें चल रही हैं, वहाँ पर एक मुकम्मल इंसान के रूप में और इस मुकम्मल राष्ट्र को बनाने के लिए बाबा साहब ने जो योगदान दिया है वह किसी से छिपा नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन आईन लिख के हम लोगों को दिया, जिसने वरन भारत ही नहीं पूरे दुनिया में इसका डंका बजवाया, और आज हम उसी महान शख्सियत की जन्म जयंती के मौके पर विगत वर्षों की तरह भी हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और उनके साथ बचपन से लेकर एक लंबे दौर तक जो उन्होंने जाति प्रथा का दंश झेला था, और उनको जब मौका मिला उन्होंने एक बेहतरीन तालीम ग्रहण करते हुए 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं में पारंगत होते हुए इस देश का संविधान लिखा, और आज उसके बदौलत उस मजलूम अखिलियत एससी एसटी ओबीसी व इस देश के तमाम महिलाएं जिनको कभी शिक्षा और कलम से वंचित रखा गया था, उनके हाथों में कलम देने का काम किया, जो आज दुनिया में इस देश का नाम रोशन कर रही है,
उसके पीछे यदि किसी एक व्यक्ति का नाम आता है तो वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।